नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया में मौजूद सबसे महंगी पेंसिल के बारे में और इसके रिव्यूज़ के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स कि आखिरकार ये क्यों है सबसे महंगी पेंसिल। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टूडियो चलते हैं और बाकी बातें वहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं जो बता रहा था आपको सबसे एक्सपेंसिव पेंसिल के बारे में, उसको मैं यहाँ पे अनबॉक्स कर रहा हूँ। और ये पेंसिल है फ्रेंड्स जनरल्स की पेंसिल, इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले ये मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो स्पेसिफिकली इसलिए नहीं है कि मैं ये पेंसिल को रिकमेंड कर रहा हूँ आप सभी को, या मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है। यहाँ बस ये एक्सपीरियंस शेयरिंग की बात है फ्रेंड्स, कि इस एक्सपीरियंस को मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि हालांकि इस पेंसिल में ऐसा होता क्या है और इसमें कौन कौन सी ऐसी खासियत हैं जो कि इस पेंसिल को सबसे अलग बनाती है और सबसे महंगा बनाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको इस पर बात करते हैं। और ये मेरे को किसी ने रिव्यू के लिए भेजी है ये पेंसिल मैंने पहले भी यूज़ की हुई है, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इसके लिए, तो मैं यहाँ पर रिव्यू कर रहा हूँ उसको फ्रेंड्स। तो ये है फ्रेंड्स जनरल्स की पेंसिल, जो आर्टिस्ट फील्ड के हैं या जो आर्टिस्ट हैं वो उसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देखिए इस पे यहाँ फ्रेंड्स लिखा हुआ है USA मेड है ये, और ये है जनरल्स पेंसिल कॉरपोरेशंस, और इसको बोलते हैं किम्बरली, जो उसका सब टाइटल है किम्बरली करके 525 4B पेंसिल है ये। और इसका मेड अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये देखिए इसके जो टॉप है वो मेटालिक है, जो बहुत प्रीमियम लुक देता है इस पेंसिल को। अगर यहाँ मैं आपको पास से दिखाऊं इसको, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये कितनी मेटालिक सा है, ये ऊपर पूरा मेटालिक टॉप है, जो कि इसको दूसरी पेंसिल से थोड़ा सा अलग बनाती है डिज़ाइन वाइज, लुक वाइज। ये ग्रीन कलर की पेंसिल है, और जो खासकर इसका जो लेड है फ्रेंड्स, वो ये लोग क्लेम करते हैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रेफाइट से इन्होंने बनाया है। और जो वुड है वो भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी की वुड है जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। और ये फ्रेंड्स अराउंड एक पेंसिल का ही रेट आपको 100 से 150 के अराउंड चेंज होता रहता है, 200 भी पहुंच जाता है, क्योंकि ये डॉलर पे वैल्यू पे डिपेंड करता है इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी पर। तो इसका रेट आप यही समझ लीजिए कि 100 रुपये से 200 रुपये के बीच में फ्लक्चुएट करता है और टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो आप चलते हैं फ्रेंड्स, इसका मुझे बस आपको इसका एक एक्सपीरियंस देना था, एक एक्सपीरियंस शेयर करना था इसका, कि आखिरकार इस पेंसिल में ऐसा क्या खासियत है जो उसको इतना महंगा बनाता है और क्यों है हालांकि ऐसा। हालांकि और भी जो पेंसिल्स हैं वो बाहर की हैं, इम्पोर्ट करके आती हैं इंडिया में, जैसे स्टैडलर हो गया या फेवर कैसल हो गया, बट उसके प्राइसेस इतने हाई नहीं हैं जितने कि इस जनरल्स के हैं। जनरल्स पेंसिल बेसिकली फ्रेंड्स चारकोल में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है और ग्रेफाइट में भी बहुत अच्छी इसकी इमेज है। और तो यहाँ पे फ्रेंड्स चलिए मैं अब दिखाता हूँ आपको कि इसकी टोनल वैल्यूज़ क्या हैं। और ये 4B है फ्रेंड्स। तो जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ पेपर पे, या जब मैं इसको घिस रहा हूँ, या क्या कहूँ उसको, मैं शेडिंग दे रहा हूँ पेपर के ऊपर, तो जो फीलिंग है फ्रेंड वो मैं आपको, हालांकि यहाँ पे तो मैं केवल बता सकता हूँ आपको, लेकिन अगर आप जब यूज़ करेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना बेहतरीन है और बहुत ही स्मूथ है, अल्ट्रा स्मूथ बोल सकता हूँ मैं इसको। तो ये आपने देखा, मैंने कुछ यहाँ पे टेक्सचर दिए हैं इसके, हालांकि ये ऐसा नहीं है पेंसिल फ्रेंड्स कि जिसकी क्या कहूँ मैं कि ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है, या ये कहूँ मैं इसकी कि इसकी वैल्यूज़ जो हैं पेपर के ऊपर डार्कर वैल्यूज़ ज़्यादा ऑप्ट हो रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल अभी तो नॉर्मल वैल्यूज़ ही इसकी ऑप्ट हुई हैं, बट ये इतनी स्मूथ है कि आप जब इसको ब्लेंड करने जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये 100% ब्लेंड हो जाती है। जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि मैं इसको कम्प्लीटली ब्लेंड कर पा रहा हूँ बहुत ही आसानी के साथ, और वो भी मैं जो यहाँ पेपर यूज़ कर रहा हूँ वो एक टेक्सचर्ड पेपर है जो कि कार्ट्रिज पेपर है, समझ लीजिए आप, ये कोई ब्रिस्टल पेपर या स्मूथ पेपर आइवरी पेपर नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि कितना ज़्यादा ईजिली ब्लेंड हो रहा है, तो ये एक इसकी खासियत है। और सेकेंडली जो कि ये कंपनी क्लेम करती है कि जब आप इसमें वाइट टोन्स वगैरह देने की कोशिश करते हैं
तो लाइंस बहुत ही अच्छे से ऑप्ट होती हैं वाइट टोन्स की, खासकर देख पा रहे होंगे आप, समझ पा रहे होंगे इसको मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं इस पर वाइट लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बहुत ही ईजिली वाइट लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, क्योंकि ये पेंसिल ने इतना ज़्यादा कार्बन या ग्रेफाइट पेपर पे नहीं छोड़ा हुआ होता है। इसकी 4B भी बहुत ही आराम से बहुत ही हल्के टोन्स में चलती है। अब यहीं अगर मैं कंपेयर करूँ इसको स्टैडलर से, जो कि बहुत ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत प्रीमियम कंपनी है, और अभी तक इसको मोस्ट एक्सपेंसिव माना जाता था, लेकिन जनरल्स इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और भी एक्सपेंसिव पेंसिल्स आती हैं फ्रेंड्स, बट उनकी इंडिया में अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। कैरेंडाश वगैरह हैं जो कि और भी पेंसिल्स बनाती हैं, वो और भी ज़्यादा महंगी है। कॉन्टेड अ पेरिस है जो कि एक और अच्छी ब्रांड है, उसकी भी पेंसिल बहुत महंगी होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि स्टैडलर ने वैल्यूज़ तो ज़्यादा दी हैं, बट जो कि पेंसिल जब मैं चला रहा हूँ, जब मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जो स्मूथनेस है जो मुझे इसमें मिल रही थी, वो स्मूथनेस मुझे इसमें नहीं मिल रही है। ये चीज़ बहुत समझने वाली है। और जब मैं इसको ब्लेंड भी कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि ब्लेंड तो हो रही है डेफिनेटली, और बहुत अच्छी हो रही है अगर मैं कंपेयर करूँ अदर पेंसिल से तो। लेकिन जो ब्लेंड फ्रेंड मैंने आपको यहाँ लेफ्ट में दिखाया, उसके कंपेरिजन में आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे डॉट्स दिख रहे होंगे आपको, अगर आप ध्यान से इसको देखें तो। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डॉट्स नहीं दिख रहे हैं। मैं इसको कीप ऑन अगर मैं बार बार भी कर रहा हूँ, कंटिन्यूस कर रहा हूँ, तो भी वो डॉट्स नहीं हट रहे हैं, वो डॉट्स रह जा रहे हैं उस पर, जो कि जनरल्स पेंसिल में नहीं ऐसा हो रहा था। और रही वाइट लाइन्स की बात, तो देखिए वाइट लाइन्स में भी वही प्रॉब्लम हो रहा है, जब बीच की वाइट लाइन्स जो हैं वो ड्रॉ नहीं हो रही हैं उतनी प्रॉपरली जितनी ये हो रही थी, क्योंकि ब्लेंड प्रॉपरली हो गया था। तो यहाँ पे आप ये समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि अब आपको अंतर साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि क्यों जनरल्स पेंसिल का बहुत बड़ा नाम है, और क्यों इसको इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव बोला गया है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव और प्रीमियम पेंसिल बताया गया है। तो ये वीडियो इसीलिए था फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था कि आप जब भी कभी इससे ड्रॉ करेंगे तो आपको एक अलग अनुभव मिलता है इस पेंसिल का। लेकिन मैं इसको एट द सेम टाइम मैं इसको रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि आप इसको परचेज़ करें, या फिर अभी जिस लेवल पे अगर आप हैं, बिगनर लेवल पे हैं, तो आप इसको अभी अभी परचेज़ करने की तो मत सोचिए डेफिनेटली, क्योंकि ये प्रैक्टिस पेंसिल तो नहीं है, लेकिन इससे फिनिश्ड वर्क किया जा सकता है डेफिनेटली। और रही लाइंस वगैरह ड्रॉ करने की बात, तो उसमें भी बहुत ही अच्छी लाइंस ड्रॉ होती हैं इससे फ्रेंड्स, बट जो मेन डिफरेंस था वो था उसकी ब्लेंडिंग का, जो वो परफेक्टली ब्लेंड होता है कंपेयर टू स्टैडलर। लेकिन वही जो मैं आपको बता रहा था फ्रेंड्स, वो बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर आप बिगिनर हैं तो इसको आप अभी सोचें परचेज़ करने का कि मैंने इसको बोला है या मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। मैं आप बस आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि ये ऐसी पेंसिल्स भी हैं मार्केट में, और मैंने पहले आपको बताया भी था कि मैं जो पेंसिल बहुत पहले यूज़ करता था जर्नल्स वगैरह की, उसके बारे में भी कभी बनाऊंगा आपके एक वीडियो, तो उसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रेंड्स मेरा ये एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू, फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो फ्रेंड्स थैंक यू वंस अगेन।